प्राइवेट हॉस्पिटल सावधान सावधान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के आदेश पर यदि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना मरीजों को बेवजह परेशान किया या इलाज के नाम पर अधिक वसूली की तो होगी हॉस्पिटल सीज। उसके बाद प्राइवेट नर्सिंग होम हमेशा के लिए लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। सभी देशवासियों जागरूक हों, जागरूक हों। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस समय इवनिंग हो रहा है और आपको बता दूं कि लगभग जो है 7:30 बज रहा है और आज 25 मई 2021 यानी मौसम विभाग के अनुसार आंधी पानी आने का आसार जिस तरह से कहा गया है या दिखाई दे भी रहा है। वहीं पर अयोध्या सुल्तानपुर या फुटेज आप देख रहे हैं, मौसम लगातार परिवर्तन हो रहा है। तूफान जो है थोड़ी थोड़ी सी दिखाई देने लगा है और यह तूफान आप देख रहे हैं सुल्तानपुर और अयोध्या का आपको ताज़ा अपडेट दिखा रहा हूं। और सभी उत्तरी भारत के लोग तूफान या बारिश से सावधान हो जाइए। इस वक्त हल्की हल्की सी तूफान दिखाई दे रहा है और मौसम लालिमा सा यह आप देख रहे हैं। जो आप इस वक्त आंधी का आप पेड़ पौधे भी हिलने शुरू हो गए हैं। हल्की हल्की सी तूफान आ रही है और सभी किसान हो या आम व्यक्ति हो, सभी लोग सावधान हो जाइए। तूफान और बारिश आने का आसार जिस तरह से वैज्ञानिकों ने कहा था, मौसम विभाग ने कहा था, या सत्य साबित होने का जो है आप देख सकते हैं। तूफान वहीं पर अन्य जो है जिस तरह से निवासियों का कहना है कि बारिश और तूफान, जब तूफान आ रही है तो ज़रूर से ज़रूर जो है बारिश आने का जो है आसार दिखाई देगा, चाहे शाम तक ही बारिश क्यों ना दिखाई दे। अभी हम यदि बात करें तो बुधवार से पिछले बुधवार को, बुधवार और उसके बाद जो है वीरवार, शुक्रवार, शनिवार बारिश, 3 दिन का बारिश हुआ और बहुत लगातार यह बारिश आप देख सकते हैं। और वहीं पर आज जो है किसान भाइयों का जो पेड़ पौधे जो भी फल हैं, आज जो है सब्जियाँ उगा रहे हैं, आज जो है सभी लोग बहुत से ऐसे फूल पत्तियां वाला जो है उनका नुकसान है। और जो भी आप किसानों का बारिश का मौसम चल रहा है तो लगातार आप देख रहे हैं किसान भाई जो है आज छिड़काव कर रहे हैं, वहीं पर बारिश का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यह आप फुटेज देख रहे हैं जो है उत्तर प्रदेश से, उत्तरी भारत का आपको फुटेज दिखा रहा हूँ। और आम का जिस तरह से मौसम है और आप मौसम का भी मिजाज आप देख सकते हैं। यह तूफान जो है हो सकता है कि आपके जो पेड़ पौधे बाग बगीचे में आम फरे हों वह नुकसानदायक हो, वह गिर सकता है, आपका आम जो है गिर सकता है। इस वजह से आज बारिश का जो माहौल आप देख रहे हैं, तूफान का माहौल देख रहे हैं, लगातार जो है ये बढ़ता जा रहा है। और आप जो है यह नज़ारा आपको जो है देख सकते हैं, बहुत ही जो है तूफान, थोड़ी थोड़ी सी तूफान का असर अब दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि यह आने वाले वक्त में और भी तेज़ी से यह तूफान दिखाई दे। तो सभी किसान भाइयों सावधान हो जाइए और अपने अपने जो भी हो आप अपनी फसल संभाल लीजिए और आप भी सावधान हो जाइए। फिर साथ अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें। इस बीमारी में आप सभी लोग स्वास्थ्य मंत्रालय का विशेष गाइडलाइन ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।